हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जल्दी अपनी काउंसलिंग शुरू करने वाली है, तो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी अपनी वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस पब्लिक नोटिस में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स को MBBS और BDS अलॉट नहीं हुआ है तो मैं उनको प्रीफर करूँगा कि वेटनरी जो कोर्स है वो एक कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स है, वो इस कोर्स को ज़रूर चूज़ करें। चलिए तो इस वीडियो को मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो काउंसलिंग की डेट्स हैं, जो सीट जो 15% कोटा के अंदर कितनी सीट आ रही हैं उनका जो पब्लिकेशन हो जाएगा वो 4 जुलाई को 6 PM पे वेबसाइट vcicounseling.nic.in पर ये हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहली राउंड की काउंसलिंग के लिए आपके 5 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट आपकी 10 जुलाई को होगी। पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सीट अलॉटमेंट 13 जुलाई और रिपोर्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स टू द अलॉटेड कॉलेज आपकी 15 जुलाई को होगा। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आपके कॉलेज में ही होंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि इस साल जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का, लास्ट ईयर से थोड़ा जल्दी हो रहा है। पहले जो काउंसलिंग होती थी वो आपकी अगस्त के बाद होती थी, लेकिन 15% कोटा की काउंसलिंग जो है वो काफ़ी जल्दी हो रही है। सिमिलरली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 23rd of July को स्टार्ट हो जाएगी। वैकेंट सीट आपको बता दी जाएंगी 23rd of July। 24th of July को आपका सीट अलॉटमेंट, 26th of July को आपका रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट, और आपको 29 से 2 अगस्त तक आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। सिमिलरली जो आपका होगा सेम ऐसे ही आपका 3rd round ऑफ द काउंसलिंग का था, लेकिन मॉपअप राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आया है। मॉपअप राउंड काउंसलिंग आपकी 3 phase में होगी, जिसमें भी मॉपअप राउंड को एक अलग से काउंसलिंग का वो बना दिया है, जिसमें अब वो 3 काउंसलिंग के वो करेंगे। मॉपअप राउंड जो होगी आपकी 20 अगस्त को शुरू होगी। 20 अगस्त को आपको सीट का प्रोविजनल रिजल्ट मिल जाएगा। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट एंड सिक्योरिटी मनी बाय द कैंडिडेट आपकी 21 अगस्त और 22 अगस्त को होगी। फाइनल रिजल्ट आपका 23 अगस्त को आ जाएगा, और अलॉटेड कॉलेज में आपको जो फेज वन होगा उसका 26 से 29 अगस्त तक आपको करना है। सिमिलरली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपका देख सकते हैं, फेज़ टू का 20 अगस्त से 4 सितंबर तक, फेज़ थर्ड का 5 सितंबर से आपका 16 सितंबर तक चलेगा। तो यहाँ पे अलॉटेड वाइज अलग अलग आपका सब दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया गया कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर को ख़त्म होनी है, लेकिन 15 सितंबर को आपका संडे है, इसलिए आपका जो लास्ट डेट होगा वो 16 सितंबर यहाँ पे कर दी गई है। नीचे उन्होंने लिखा है कि फर्दर आप काउंसलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन वाउचर वगैरह के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वेबसाइट पर आप रेगुलरली विजिट करें। जो स्टूडेंट वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कॉलेज में ही होंगे, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने मॉपअप राउंड काउंसलिंग में की थी, तो जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज को अलॉट हुए हैं उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट किया है तो उनकी फ़ीस वापस आ जाएगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए हैं और उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो वापस नहीं होगी, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से फर्दर कोई अपडेट आएगा तो उससे हम आपको इंट्रो कर देंगे। अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।